और हम सीखेंगे वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में, मतलब आवेशों के निकाय की या के दो या दो से अधिक कोई भी निकाय क्या हो सकता है आवेशों का। अब दो आवेशों का निकाय जैसे अभी हमने पढ़ा था उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अभी आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। को एक से अधिक आवेशों के बारे में उनका जो निकाय बनेगा उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो उसके लिए हम कोई दो आवेशों का एक निकाय ले लेते हैं। सपोज ये एक प्लस क्यू वन आवेश है, एक उसी से आर दूरी पर दूसरा कोई आवेश है हमारा प्लस क्यू टू, ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी कितनी होगी, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है कि विभव का जो सूत्र पढ़ा है, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हमें अनंत वैद्युत विभव की परिभाषा हमने पहले याद कर ली है, जो पढ़ी है उसको समझना है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य था वही क्या कहलाया था, वैद्युत विभव कहलाता। तो अब यहाँ पर जो है अनंत से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है वही वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो अब वो अनंत से लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य निकालना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर ये सपोज ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बी बिंदु पर प्लस क्यू टू आवेश स्थित है, तो दोनों निकाय की स्थिति ऊर्जा कैसे होगी, क्योंकि तो अब ऊर्जा वैद्युत स्थिति ऊर्जा एक्चुअली में है क्या, क्यू वन और क्यू टू दोनों प्लस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो हम उसको अगर नजदीक लाना चाह रहे हैं, दोनों आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, निकाय में स्थिति की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और सपोज कोई निकाय अगर माइनस विपरीत आवेश से मिलकर बना होता है, एक प्लस एक माइनस आवेश से मिलकर बना होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, और उस समय अगर हम उनको दूर अगर हमको ले जाना है आकर्षण बल के विरुद्ध, हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उनमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही ऊर्जा जो है, जो स्थिति ऊर्जा हमारी संचित हो रही है उसका मान हमने निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पर एक निकाय हमने माना है ए बी निकाय, जो हमारा प्लस क्यू वन आवेश और प्लस क्यू टू आवेश से मिलकर बना है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अनंत से एक प्लस क्यू टू आवेश को अनंत से यहाँ बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य निकालना होगा। एक्चुअली प्लस क्यू टू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में, क्योंकि तब ये निकाय हमारा क्या होगा, बन पाएगा, क्योंकि क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाके ए और बी इन दो पॉइंट के बीच में लाना है, कहने का मतलब तब ये निकाय ए बी बन पाएगा हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसके विरुद्ध हमको कार्य करके इसको बी बिंदु तक लाना पड़ेगा Q2 आवेश को, तब ये निकाय ए भी बन पाएगा। तो इसके लिए जो कार्य किया गया वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे हम इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु बी पर, क्योंकि अनंत से किया गया कार्य निकालने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि वो क्या होता है, विभव होता है, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव कहते हैं। तो हम विभव निकाल लेते हैं बिंदु बी पर, किसके कारण, क्यू वन आवेश के कारण, तो क्यू वन के कारण बिंदु पी बिंदु बी पर विभव कितना हो जाएगा, वी बराबर प्लस क्यू वन आवेश के कारण वी, जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर इस निकाय को हमने परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में रखा है तो यहाँ पर के लिख देंगे, निर्वात में रखा है तो वन रख देंगे, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन प्लस क्यू आवेश के कारण है तो क्यू वन अपॉन आर, दूरी क्या है दोनों के बीच की आर। तो किसी आवेश के कारण हमने अभी पढ़ा है प्लस क्यू आवेश के कारण किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान, ये बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा, प्लस क्यू वन अपॉन आर, आर दूरी पर स्थित बिंदु पर। अब ये जो विभव है, ये जो हमारा विभव है ये क्या है, एक्चुअली
इस किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश को अगर हम क्या मान लें, क्यू टू, परीक्षण आवेश की जगह क्या ले लें अगर हम, प्लस क्यू टू आवेश ले लें, जिसको हम कहां से कहां ला रहे हैं, अनंत से बी बिंदु तक ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्यू वन और क्यू टू का एक निकाय बनाना है, ए बी निकाय। तो अब यहाँ पर परीक्षण आवेश की जगह किसको लाएंगे हम, अनंत से क्यू टू आवेश को लाएंगे इस बिंदु तक, तो तब ये निकाय बन पाएगा। तो विभव की परिभाषा से हम जानते हैं ये विभव जो होगा अनंत से लाने में उस बिंदु तक, बी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू अपॉन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति होता है। परीक्षण आवेश का मान यहाँ पर क्या है जो हम ला रहे हैं अनंत से, उसकी जगह पर यह आवेश क्या है, परीक्षण आवेश की जगह पर क्यू टू प्लस क्यू टू आवेश है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू टू होगा, और ये जो V होगा इसके बराबर होगा ये मान। तो इससे देखो W का मान अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फिर ये W क्या है, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किसको लाने में किया गया कार्य है, अनंत से बिंदु B तक Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से लाने में किया गया कार्य, इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू टू के बराबर हो जाएगा, V इंटू क्यू, डब्ल्यू यहां से निकाल देंगे, V इंटू क्यू टू हो गया। V का मान हमें मालूम है, इसको रख दिया 1/4πε0 के Q1/R, ये Q1/R ये V का मान है इंटू क्यू टू। तो ये जो अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य है, यही क्या कहलाता है, निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। बोला मैंने किसी निकाय को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, वही निकाय को बनाने में किया गया कार्य या ऊर्जा है। तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं हम, स्थिति ऊर्जा को हम यू से दिखाते हैं, यू बराबर आ जाता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। ये जूल जो आ जाती है हमारी वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाती, इसी को हम कहते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा, किसकी, किसी आवेश के निकाय के, दो या दो से अधिक आवेश के निकाय के। अगर इसमें आवेश तीन चार आवेश भी होंगे तो उसमें क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे हम। सपोज यहाँ पर कोई तीसरा एक आवेश और होता है यहाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, तीसरा Q3 सपोज यहाँ पर था, पहले Q1 Q2 के कारण निकालेंगे, ऐसे Q2 Q3 के कारण, फिर Q3 Q1 के कारण, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगी, उस तीन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। ओके, थैंक्स।